क्लास 10 का आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है आज। पूरा पॉलिनोमियल क्या होता है मैं आपको इस कंप्लीट वीडियो में समझा दूंगा। जिसको पॉलिनोमियल का पी भी नहीं पता, आज के बाद उसके पॉलिनोमियल चैप्टर में कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं रहेगी। स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें आपके लिए। आज़ाद है तो आसमां को छू जाएंगे, जिंदा है तो हर जंग जीत जाएंगे, साथ है तो दुनिया को दिखाएंगे, तिरंगे के तीनों रंगों में देश को समा जाएंगे। मैं विवेक पत्रिया आपका पीवीएस लर्निंग में स्वागत करता हूं। सबसे हम पहले बात करेंगे कि पॉली भैया क्या होते हैं हमारे। तो पॉलीनोमियल्स में दो वर्ड से मिलकर बना ये पॉली और नॉमिनल्स। पॉली का मतलब होता है यहाँ पर आपका मैनी, क्या होता है इसका मतलब मैनी, और नॉमिनल्स का मतलब होता है यहाँ पर टर्म्स। तो मैनी टर्म्स, देखो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ध्यान रखना हमेशा, लिख लो इसकी, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व विच वेरिएबल्स, वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन्वॉल्व हैव ओनली, किसको इन्वॉल्व करेंगे, सिर्फ नॉन इंटीजर्स को, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को, हैव ओनली नॉन वेज मत समझ जाना इसको, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स आर कॉल्ड कॉल्ड पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स। ठीक है, आप देखो इसको मतलब समझ लो। ये कह रहा है आपको एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आपको पूरी इक्वेशन दी हुई होगी, विच वेरिएबल इन्वॉल्व है ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को ही इंक्लूडेड करेंगे, उसे ही हम कहते हैं पॉलीनोमियल्स। अब अगर बात करें डिग्री की, कि भैया इसकी डिग्री क्या होती है, तो इसका भी लिख लो, द हाइएस्ट पावर ऑफ, द हाइएस्ट, द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स, पी मतलब पॉलिनोमियल, आर कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे बात करें, देखो एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो, इसका भी ले लो और एक इसका भी ले लो। डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, पावर ही तो होगा, कोई अलग से तो कोई चीज है नहीं। जैसे यहां पर देखो, अगर 4x ले लो, 3x स्क्वायर ले लो, यहां पर ले लो 3x प्लस 1 ले लो, कुछ भी ले लो, 4x स्क्वायर ले लो, तो ये जो आपको पावर की बात की जा रही है यहां पर, यही आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। और ये आपने पढ़ा है अपने पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब बात करेंगे कुछ आगे के फैक्ट के बारे में, तो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, बात करेंगे तीन चीजों की, चार हो गई, तीन तीन चीजों की बात करेंगे। पहली आपकी है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये तीनों चीजें क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बिल्कुल ऐसे देखते जाना, ठीक है ना। चलो सबसे पहले देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आपका क्या होता है, ए पॉलिनोमियल, या देखो एक से ना ओरल समझा देता हूं पहले आपको। लीनियर का मतलब होगा 1, क्वाड्रेटिक का मतलब होगा 2, जिसकी पावर है ना, और क्यूबिक का मतलब होगा 3। अब इसको लिख भी लेते हैं, ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। पॉली भैया आप देखो, सर एक एग्जांपल से भी समझा दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा।
लो समझ लो एक एग्जांपल से भी, इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ध्यान से देखना। रूट थ्री एक्स प्लस फोर कुछ भी ले लो, अपनी घर की खेती है, रूट थ्री एक्स प्लस फोर, तो यहां पर x की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सेकंड की बात करेंगे तो ये होता है आपका एक पॉलिनोमियल। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ कछु चेंज ही करना है, बस आपको डिग्री में 2 लिख देना है यहां पर, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो इसका भी एक एग्जांपल से समझा देता हूं आपको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, किसी के कोई डाउट ना रहे। देखो एक एग्जांपल से देखना इसको भी, एग्जांपल अगर अपन ले इसका तो कुछ भी ले लो, वाई स्क्वायर माइनस टू ले लो, वाई स्क्वायर माइनस टू जिसकी पावर, और किसकी पावर, वेरिएबल की, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा आराम से, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक नाम से क्लियर है, क्यूबिक का मतलब 3 होगा, तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी होगी इसकी, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर इसका भी एक एग्जांपल करा दो, ये दो तो अच्छे से समझ में आ गए, तीसरा भी आ जाएगा। तो देखो इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन, ऐसे कौन करता है पता है आपको, बागा करता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो ये हो जाएगा आपका, यहां पर भी एक कर लो, इसका भी एग्जांपल ले लो, तो ये ले लो कुछ भी ले लो, 5 माइनस एक्स क्यूब, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 3 हो तो वो होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब ये रिलेशनशिप क्या होती है, हम तो कभी रिलेशनशिप में रहे नहीं, सिंगल लोगों को क्या पता, क्या दर्द झेलना पड़ता है उनको, वो ही जाने, जे हमारे जैसे बहुत सारे होंगे, समझ रहे हो ना। चलो रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो इसमें आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरो नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे अपन सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा, सम कह रहा है ना, और किसका जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा। और इधर देखो एक इक्वेशन भी लिख लो यहां पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देखो ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, तो अब ये किसका कोफिशियंट भी है ना, देखो ये एक्स वेरिएबल है और ये इसका कोफिशियंट है, तो यहां पर लिखी भी दो माइनस कोफिशियंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन ए किसका है, ए इसका है भैया, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, समझ में आया, वापिस समझा दो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट लगा दो यहां पर, इंपॉर्टेंट लगाने से क्या होता है कि आपको लगता है अच्छा वास्तव में इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी किसका है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स का, और ए किसका है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर का। एक फॉर्मूला और होता है इसके अंदर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखो प्रोडक्ट का मतलब वो नहीं है कि सामान बेचने वाला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब यहां पर होता है मल्टीप्लाई से होता है, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या होता है आपका, अल्फा बीटा,
ठीक है ना, अभी कहा था ना इससे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये होता है सी अपॉन ए, और सी क्या होता है आपका, सी आपका बेचारा नल्ला होता है, मतलब कहने का मतलब ये आपका कांस्टेंट टर्म होती है ये आपकी, तो ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अपॉन यहाँ पर जीरो लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा आपका सेम ए, इसमें भी क्या था कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा ये कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑफ एक्स स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है दोनों। अब ये तो तब का है जब आपको दो पूछे, अगर तीन पूछ ले तो गामा और जोड़ देंगे, गामा तो सुना ही होगा आपने। चलो अब फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट देखो, अगर आप तीन रिलेशन पूछ ले आपको, क्यूबिक पूछ ले अल्फा बीटा गामा, गामा मारेगा ठीक है ना, तो ये बाला का छोटा भाई है, तो अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, तो क्यूबिक पॉलीनोमियल के फॉर्मूले तीन है, बस कुछ ही नहीं, वो अपन ने जो लास्ट वाले दो फॉर्मूले निकाले थे ना क्वाड्रेटिक वाले, इसमें अपन तीन निकाल लो, सिंपल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी एक है ना इक्वेशन लिख लो पहले, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना, इससे आपको इजी हो जाएगा, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है ये आपका माइनस बी अपॉन ए, और वो कॉफिशियंट तो मैंने बता दिया आपको, ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा और ये एक्स क्यूब का हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अगर ये पूछ ले तो क्या हो जाएगा ये आपका सी अपॉन ए, अगर आप लिखना चाहो तो यहां पे लिख भी सकते हो कि कॉफिशियंट कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये किसका कॉफिशियंट हो जाएगा, या माइनस लगा देना, कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब का हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सी अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से देखना, कॉफिशियंट ऑफ किसका हो जाएगा, ये आपका कॉफिशियंट ये एक्स का हो जाएगा, कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन वही नीचे वाला, नीचे आप ही वही पुट करेंगे, कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, क्लियर है। अब ये तो आपका प्लस हो तो, अगर आपको प्रोडक्ट पूछ रहे तो प्रोडक्ट बेच दो, अल्फा प्लस बीटा गामा ये क्या हो जाएगा आपका माइनस डी अपॉन ए, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आपका मल्टीप्लाई, तो अल्फा बीटा गामा तीनों को लड़ा दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए, और डी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है आपका, वही लिख दो वापस ए को, माइनस भी लगा देना, तो ये हो जाएगा कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, अगर दो पूछ ले तो क्वाड्रेटिक वाला मैंने आपको बता दिया, अगर क्यूबिक पूछ ले तो ये तीनों ही फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों। नेक्स्ट अब अपन देखने वाले डिवीजन, नेक्स्ट डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलीनोमियल, देखो डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है, सपोज करो अगर अपन यहां पर कुछ लेते हैं जैसे एक्स क्यूब माइनस कुछ भी ले लो, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ले लो, अब अपन इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम दे दे पी एक्स ले लो, और एक और ले लो यहां पर जी एक्स, ठीक है ना, ये इसका बॉयफ्रेंड और ये इसकी गर्लफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू ले लो, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, देखो नाम ही क्लियर हो रहा है, बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे विद्वान अलग अलग चीजें बताएंगे, अरे भैया इसका नाम ही डिवीजन है तो डिवीजन ही करेंगे ना, और करना क्या है, तो इसमें इससे डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा जो क्वेश्चन आएगा उसको निकाल के चिपका देंगे। और देखो अब आपको चेक कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला होता है अपन ने यूक्लिड में पढ़ा था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब आपका देखो अगर मैं आप छोटू से तरीके से समझाऊं तो ये आपका डिविडेंड हो जाएगा,
ये डिविजर हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चेंट हो जाएगा, और बचेगा जो लास्ट में उसको रिमाइंडर में लाते हैं अपन, ये आपको पता ही है। तो ये कह रहा है द डिविजर एल्गोरिदम स्टेट एनी गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स और एन नॉन पॉलिनोमियल जी एक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके अपन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 में है। ये कंप्लीट आपका पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन हो चुका है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 2.1 करेंगे अपन। वीडियो को आप इतना शेयर करो कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि सबको इसका बेनिफिट मिले। कोरोना भैया धीरे धीरे कम हो रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि कोरोना की सिस्टर भी आ रही है, बेहतरीन तो इसमें रहेगा सबके लिए, अच्छा तो ये रहेगा कि कोरोना की सिस्टर ना आए, फिर भी जो होगा जो देखेंगे, अपन सब क्या स्पार्टा है, योद्धा है, लड़ेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, एक ऐसे सब्सक्राइब का बटन होगा यूट्यूब ने चिपका रखा है वहाँ पे, तो उसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ में, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टाटा बाय बाय।